हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डन। दोस्तों, आज अप्रैल की 11 तारीख है। स्प्रिंग सीजन अभी ख़त्म हो चुका है और समर की शुरुआत हो चुकी है, पर अभी भी मेरे गार्डन में कुछ समर वाले फ्लावर्स खिले हुए हैं। सोचा इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए आपसे शेयर कर लूँ। तो आइए देखते हैं, ये है क्रिसैंथेमम। देखिए अभी भी कितने बड़े बड़े फ्लावर ब्लूम्स हो रहे हैं। ये है डायंथस, देखिए वाइट डायंथस, ये है 4 o'clock के फ्लावर्स। दोस्तों, 4 o'clock के बारे में सुना था कि दो अलग अलग कलर के फूल वाले पौधे एक ही जगह पर लगे हो तो तीसरा पौधा जो निकलेगा उसमें दोनों के मिक्स कलर के फ्लावर होते हैं। देखिए मेरे गार्डन में इसका प्रूफ, ये मिक्स कलर के फ्लावर। ये है मोगरा, ये समर के फ्लावर हैं और देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में खिले हुए हैं फूल। देखिए ये है रोज़, कितना खूबसूरत डार्क मरून कलर है। देखिए शायद कैमरा में आपको इतने सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हों। बहुत ही खूबसूरत कलर है। यह है मिनी क्रिसैंथेमम। देखिए कितने बड़े साइज है, कहने को मिनी है। ये नागचंपा। दोस्तों, इस प्लांट पर लगभग 6 महीने से फूल इसी तरह खिले हुए हैं, ना बारिश में कम हुए ना ठंड में, और अब गर्मी के तो ये फ्लावर है ही। देखिए ये ओलियंडर, कितने खूबसूरत पिंक कलर हैं। देखिए ये है चंपा। दोस्तों, ये प्लांट मुझे नर्सरी में कहीं नहीं मिले तो मैं इसे रोड साइड से डिवाइडर पर से कटिंग करके लेके आई थी। ये इसके फर्स्ट फ्लावर हैं। देखिए कितने फूल लगे हुए हैं, झड़ झड़ कर ज़मीन पर भी गिर चुके हैं। सदाबहार के तो क्या कहने। और ये सभी मेरे एक्जोरा के फ्लावर्स। मेरे पास लगभग 5-6 एक्जोरा के प्लांट्स हैं, ज़्यादातर ऑरेंज कलर के ही हैं। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन के फ्लावर्स, वायलेट कलर। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर्स। और देखिए ये है रेन लिली के फ्लावर्स। हमारे यहाँ एक दो दिन पहले थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी और ये मेरे फर्स्ट फ्लावर है रेन लिली के। पिछले बारिश में मैं इसे खरीद कर लाई थी, पर तब मुझे पता भी नहीं था कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर होंगे। और ये है एडिनम, कितने खूबसूरत और चमकदार लग रहे हैं इसके फ्लावर्स। इसमें भी कभी फूल खिलना बंद ही नहीं हुए, जैसे नागचंपा के। देखिए कितने चमक रहे हैं इसके फ्लावर्स। ये है वाइट बोगनवेलिया, इसके भी फ्लावर्स देखिए। बोगनवेलिया में फ्लावर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ये अल्मांडा के फ्लावर्स, इसमें लास्ट ईयर तो इतने फूल हुए थे कि पत्ते दिखाई नहीं पड़ते थे। ये है वाइट हिबिस्कस, इसमें डेली 2-4 फ्लावर्स तो हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये गार्डन और मेरे फ्लावर्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।